हाय, दिस इज़ फ़ज़ील उस्मानी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में जो है हम 10 अप स्मार्ट की जितनी भी क्वेरीज थी जो मैंने कमेंट्स के थ्रू और DMs के थ्रू जो रिसीव की हैं, तो बेसिकली वो ये सारे जो है डिफरेंट लोग यही सेम क्वेश्चन जो है बार बार पूछ रहे थे। तो आज हम जो है इन क्वेरीज पर बात करेंगे और आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये सारी क्वेरीज जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी और इसके बाद मज़ीद ये सवाल जो है आपके जहन में नहीं आएंगे। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं हम 10 अप स्मार्ट की क्वीन प्रेडिक्शन जो है। सो अगर आपने वकार ज़का की स्टोरीज देखी हो तो उसमें उसने बताया है कि आपने ये क्वीन $2 से पहले सेल नहीं करना। तो अगर हम उसकी इस बात को जहन में रखते हुए चलें तो एटलीस्ट 10 अप स्मार्ट $2 तक जाना चाहिए। लेकिन मेरी जो एनालिसिस कहती है, जो इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई है और टोटल सप्लाई है उस हिसाब से जो है मैंने इसके जो एनालाइज़ किया है, तो यह एटलीस्ट $1 तक या $1.5 तक जाएगा। $2 तक जाने के लिए इसको तकरीबन भी जो है लिस्टिंग के बाद 1 मंथ लग सकता है। तो ये आपके ऊपर है, हमेशा जितना होल्ड कर सकते हैं हमेशा उस हिसाब से ही जो है आपको गोल्ड मिलता है। सो होल्ड इज़ गोल्ड। और अब हम दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि 10 अप स्मार्ट की लिस्टिंग डेट क्या है। तो मैं बताता चलूं, ये FTX पर जो है लिस्ट होने जा रहा है और अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है, बट ये FTX पर ही लिस्ट होगा और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। सो ये लिस्टिंग डेट हमारी जो हो गई है 12 या 13 सितंबर हो चुकी है। 10 सितंबर से जो है ये आगे बढ़ा दी गई है। सो दूसरी अपडेट और ये जो क्वेश्चन थे, सो ये हो चुका है। अब हम तीसरी जानिब बढ़ते हैं 10 अप स्मार्ट की, जो इनिशियल क्वीन बर्निंग थी। सो अभी जो है अपडेट आई थी कि 10 अप स्मार्ट की जो प्री सेल की बर्निंग है वो 7 सितंबर की शाम 6 बजे जो है बर्निंग हो जाएगी। तो आप उसके बाद जो है क्वीन की जो प्राइस है इथेरियम में वो कम या ज़्यादा उसको देख सकते हैं। और क्वीन मार्केट कैप पर इसकी लिस्टिंग जो है 10 अप स्मार्ट क्वीन की जो प्राइस जिस तरह ओल्ड 10 अप की है वो आने में तकरीबन 1 से 2 महीने लग जाएंगे। तो अभी आपको इसकी प्राइस सिर्फ 10 अप के डी ऐप पर जो है प्री सेल के ऑप्शन पे दिखेगी। सो उसके बाद जो है यूनिस्वैप की लिस्टिंग की बात करें तो यूनिस्वैप की लिस्टिंग बर्निंग के अगले दिन जो है यूनिस्वैप पर लिस्ट हो जाएगा, यानी कि 8 सितंबर तक। सो वहाँ से भी जो है इसकी बाइंग सेलिंग शुरू हो जाएगी। बट यूनिस्वैप पर लिस्ट होने के बाद इतना हमें जो है पंप नहीं मिलेगा, क्योंकि अगेन वो भी फीस लेता है यूनिस्वैप, इसलिए जो है हमें वहाँ पे पंपिंग नहीं दिखेगी। जबकि जो न्यू एक्सचेंज होगा वहाँ हमें पंप होता हुआ ज़रूर दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है फ़ीस कम होती है, बाइनेंस की तरह ही जो है वो एक्सचेंज होगा, तो वहाँ पर हमें पंपिंग ज़रूर देखने में मिलेगी। और अगर हम अगली जो क्वायरी थी उसकी बात करें तो बहुत से लोगों का सवाल है कि हम मेटामास्क की गैस फी को रिड्यूस कैसे करें। तो ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर जो है प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। और सो इसके लिए मैं जो है एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर बहुत से लोग जो है इसका सवाल, इतने लोगों ने नहीं पूछा, 2-3 लोग थे, अगर आप बहुत लोग हैं इस टॉपिक पर जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो जो है प्रैक्टिकली वीडियो बना दूंगा। और हम लास्ट क्वेरी की तरफ चलें कि ओल्ड 10 अप को 10 अप स्मार्ट में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये मेन क्वेश्चन जो कि 100,000 की तादाद में जो है पूछा जा रहा है। सो ओल्ड 10 अप जो है हम 10 अप स्मार्ट में अगर हम देखें तो इसके डी ऐप पर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है स्वैप का ऑप्शन कमिंग सून है। कमिंग सून का मतलब ये अभी तक जो है लॉन्च नहीं हुआ है। इसका मतलब आप जब इस पर क्लिक करते हैं जनरेट एड्रेस पे तो ये कमिंग सून का जो है लिखा आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये फीचर अभी लाइव नहीं हुआ है। जब तक ये कमिंग सून यहाँ से ख़त्म नहीं होता, जब तक ये लाइव नहीं होता, आप ओल्ड 10 अप को 10 अप स्मार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अब ये लाइव कब होगा तो वकार ज़का ने बता दिया है कि ये क्वीन जो है लिस्ट होने के बाद यहाँ पे जो है स्वैप इसका अवेलेबल होगा। अराउंड अगर 12 से 13 को जो है ये लिस्ट होता है 10 अप स्मार्ट, तो 18 से 19 सितंबर को ये स्वैप का ऑप्शन लाइव हो जाएगा।
आई होप अब आप मज़ीद कमेंट नहीं करेंगे कि किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि 18 और 19 सितंबर तक जो है ये लाइव होगा, उसके बाद या आप जो है ओल्ड टेनअप को टेनअप स्मार्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब इसके बाद आपके जहन में दो सवाल आएंगे कि क्या हमें ओल्ड टेनअप को जो है होल्ड करना चाहिए। तो मैं उसके लिए आपको दो बातें बता देता हूँ। यस, आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस पर जो है वकारज़ा का गेम्स और NFTs वगैरह बनाएगा, तो ये ज़रूर पंप होगा। और 18-19 सितंबर को जो है जब ये लाइव हो जाएगा, तो आप इसको जो है टेनअप स्मार्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। हो सकता है वकारज़ा का ये बोले कि जिसके पास ओल्ड टेनअप हैं तो वो स्वैप करने पर उसको एक ओल्ड टेनअप की जगह दो टेनअप स्मार्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर भी जो है ऐसा हो सकता है, क्योंकि वकारज़ा ने कहा था जो ओल्ड टेनअप होल्ड कर रहे हैं उनके लिए बहुत जल्द खुशखबरी आएगी जब स्वैप लाइव हो जाएगा, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप टेनअप लेना चाहते हैं तो आप अपने एक्स्ट्रा जो आपके पास सेविंग हो, जो काम की ना हो, जो काम में ना आने वाली हो, जो आप बर्दाश्त कर सकें रिस्क, सो आप उससे जो है टेनअप स्मार्ट ले सकते हैं और लिस्ट होने पर जो है उसको सेल कर सकते हैं। सो ये तमाम क्वायरीज थी जो मैंने कलेक्ट की थी, जो बहुत से लोग यही क्वायरीज़ को बार बार पूछ रहे थे, तो ये सारी क्वायरीज़ जो है मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। एक क्वायरी रिमेनिंग है रिड्यूस मेटामास्क की, सो जो गैस फीस थी उसको रिड्यूस और बढ़ाने की, तो इस पर जो है अगर ज़्यादा कमेंट होए, ज़्यादा लोग अगर इस पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो इस वीडियो के बाद आपके जहन में ये सवाल नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये सारी क्वायरीज़ जो हैं लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मैंने आंसर कर दिए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद टेनअप की जो है वीडियोस देखने के लिए चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।